गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 बुक की तरफ आते हैं। तो आज हम लोग पेज नंबर 41 से पेज नंबर 47 तक का करंट अफेयर का स्टडी करेंगे। और पिछले वीडियोज़ में मैंने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 40 तक का पढ़ा दिया है और फिर आज हम लोग पेज नंबर 41 से पेज नंबर 47 तक का स्टडी करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन हमारे जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे कि ग्रुप डी हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हो और अदर जितने भी एग्ज़ाम हो, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्या है पॉइंट, तो आज हमारा है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड बहुत सारे वन लाइनर के फॉर्म में दिए हुए हैं, चलिए उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पहला क्या है, ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पासिडोनिया खोजा गया है। ठीक है, कहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा पौधा पासिडोनिया खोजा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में। मध्य प्रदेश में तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला है। तो मध्य प्रदेश में तमला डायनासोर का क्या मिला है, दुर्लभ अंडा मिला है। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली घोषित हुई, तो ब्लू ड्यूक को सिक्किम की राज्य तितली घोषित किया गया है। भारत में जानवरों की कोरोना वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया गया। भारत में जानवरों की कोरोना वैक्सीन क्या लॉन्च किया गया, एनोकोवैक्स लॉन्च किया गया। और जिसे हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस द्वारा विकसित किया गया है। भारत में जानवरों की कोरोना वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया गया, जिसे हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस द्वारा जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लिपस्टिक पौधे की खोज की गई। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में किसकी खोज की गई, तो लिपस्टिक पौधे की खोज की गई। उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के घट्टी में किया गया। कहाँ पे किया गया, कठुआ जिले के घट्टी में किया गया। अब हम आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन केरल में किया गया। देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, केरल में किया गया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है, सेला पास के नाम पर रखा गया है। हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलर फैक्ट्री मिली। हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। और महाराष्ट्र का चंद्रपूर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ। तो महाराष्ट्र का जो चंद्रपूर जिला है वो दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश क्या बन गया है, सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। और मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम क्या रखा है, मैत्री रखा है। केरल कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है। केरल जो है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है। और हाल ही में असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो हाल ही में असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में लगेगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में लगेगा। वैज्ञानिकों ने वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का नाम
ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है। वैज्ञानिकों ने वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का जो नाम है वो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा। और काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित। काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित। और उत्तराखंड के अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित। जो उत्तराखंड का जो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य है उसे इको सेंसिटिव घोषित किया गया। और श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। श्रीनगर को हम लोग क्या हुआ है, श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। और वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। वाराणसी क्या हो गया है, रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। और पूर्व नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड एचएसबीसी इंडिया ने लॉन्च किया। तो पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड एचएसबीसी इंडिया ने लॉन्च किया। अब हम लोग आगे आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलकुंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलकुंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। और भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। और हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है, जिसे नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। और हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है, जिसे नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। जो काजीरंगा है वो सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। और शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां तथा छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बन गया है। हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को भारत का 52वां तथा राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य बनाया गया है। और हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम तथा पुदुचेरी के ईडेन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। और भारत में ऐसे तटों की संख्या कितनी हो गई है, 10 हो गई है। तो हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम तथा पुदुचेरी के ईडेन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है और भारत में ऐसे तटों की संख्या कितनी हो गई है, 10 हो गई है। हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ मिली हैं। और कछुआ संरक्षण में जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो कछुआ संरक्षण में जीव विज्ञानी हमारे शैलेंद्र सिंह ने क्या जीता है, तो ग्लोबल अवार्ड जीता है। हाल ही में असम के दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी
तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा और NTPC गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4,750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। NTPC जो है गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4,750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा और विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट को गुवाहाटी असम में लगाया गया है। विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट को गुवाहाटी असम में लगाया गया है और अफ्रीकी देश बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिडा आर्डन के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित कीट की नई प्रजाति को हेमियांड्रस जेसिंडा नाम दिया गया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित कीट की नई प्रजाति को हेमियांड्रस जेसिंडा नाम दिया गया है और क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी। भारत अमेरिकी के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेंढकों की 5 प्रजातियां खोजी। भारत अमेरिकी के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेंढकों की 5 प्रजातियां खोजी और मेघालय के पास सारोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। और भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन रानीखेत में किया गया है। और मैक्स 1407 भारतीयों द्वारा विकसित सोयाबीन की एक नई किस्म है। और भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित अब हम आते हैं आगे की तरफ। श्री विल्लू पुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तूरा हिरण केसी महाराष्ट्र में खोजी गई। और लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ 4वां वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन UNO एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा किया गया है। और तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुओं के साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। और वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन के होटन है, जबकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। और हाल ही में COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लासगो यूके में किया गया। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश तथा सबसे कम प्रदूषित देश
प्यूर्टो रिको है, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। तो विश्व की सबसे प्रदूषित देश कौन है? प्रदूषित देश बांग्लादेश। तथा सबसे कम प्रदूषित देश कौन है? प्यूर्टो रिको है, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। हाल ही में मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी किया गया है और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश की वाटर बारियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश की वाटर वॉरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और देहिंग पट गई असम का 7वां, जबकि रायमोना 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना। देहिंग पट गई जो है वो असम का 7वां, जबकि रायमोना 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना। अब हम आते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की तरफ। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का कुल कितने लोगों को दिया गया है? 12 लोगों को दिया गया है। चलिए अब हम लोग इनका वन बाय वन करके इनका नाम देख लेते हैं। तो पहले हैं कौन? पहले हमारे नीरज चोपड़ा, जिन्हें कि एथलेटिक्स के लिए दिया गया। दूसरे हमारे रवि कुमार, जिन्हें कि कुश्ती के लिए दिया गया। फिर है हमारी लवलीना बोरगोहेन, जिन्हें कि मुक्केबाजी के लिए दिया गया। फिर है PR सीजेश, जिन्हें हॉकी के लिए दिया गया। फिर है ओमनी लेखरा, जिन्हें पैरा शूटिंग के लिए दिया गया। फिर है सुमित अंतिल, जिन्हें पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया। फिर है प्रमोद भगत, जिन्हें पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया। फिर हमारे कृष्ण नागर, जिन्हें पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और कौन है। तो मनीष नरवाल है, जिन्हें पैरा शूटिंग के लिए दिया गया। फिर है मिताली राज, जिन्हें क्रिकेट के लिए दिया गया। और फिर सुनील छेत्री, जिन्हें कि फुटबॉल के लिए दिया गया। और मनप्रीत सिंह, जिन्हें कि हॉकी के लिए दिया गया। तो ये टोटल हमारे 12 नाम थे जिन्हें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि वो नाम कौन कौन से थे। तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स के लिए, रवि कुमार कुश्ती के लिए, लवलीन बोरगोहेन मुक्केबाजी के लिए, PR सीजेश हॉकी के लिए, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग के लिए, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स के लिए, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन के लिए, कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन के लिए, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग के लिए, मिताली राज क्रिकेट के लिए, और फिर हमारे सुनील छेत्री फुटबॉल के लिए, और मनप्रीत सिंह हमारे हॉकी के लिए। अब हम आते हैं अर्जुन पुरस्कार 2021, जिसमें कि कितने लोगों को दिया गया है? कुल 34 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके इनका नाम पढ़ते हैं। अरपिंदर सिंह किस खेल से रिलेटेड है? एथलेटिक्स से। सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी से। शिखर धवन क्रिकेट से। CA भवानी देवी तलवारबाजी से। मोनिका हॉकी से। वंदना कटारिया हॉकी से। संदीप नरवाल कबड्डी से। हिमानी उत्तम परब मलखम्ब से। और अभिषेक वर्मा निशानेबाजी से। एक बार और पढ़ लेते हैं, हम लोग दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2021 कुल 34 लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ नाम है, उन नामों को हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अरपिंदर सिंह एथलेटिक्स से रिलेटेड है। सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी से। शिखर धवन क्रिकेट से। CA भवानी देवी तलवारबाजी से। मोनिका हॉकी से। वंदना कटारिया हॉकी खेल से रिलेटेड है। संदीप नरवाल कबड्डी खेल से रिलेटेड है। हिमानी उत्तम परब मलखम से रिलेटेड है। और अभिषेक वर्मा निशानेबाजी खेल से संबंधित है। अब कुछ और नाम नीचे दिए गए हैं, उनको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। अंकिता रैना टेनिस से। दीपक पुनिया कुश्ती से। दिलप्रीत सिंह हॉकी से। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से। रुपिंदर पाल सिंह हॉकी से। अमित रोहिदास हॉकी से। वीरेंद्र लाकड़ा हॉकी से। सुमित हॉकी से। नीला कांता शर्मा हॉकी से। हार्दिक सिंह हॉकी से। एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। अंकिता रैना टेनिस से हैं। दीपक पुनिया कुश्ती खेल से हैं। दिलप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड हैं। हरमनप्रीत सिंह
हॉकी से रिलेटेड हैं, रुपिंदर पाल सिंह हॉकी से रिलेटेड हैं, अमित रोहिदास हॉकी से रिलेटेड हैं, वीरेंद्र लाकड़ा हॉकी से रिलेटेड हैं, सुमित हॉकी से, नीला कांता शर्मा हॉकी से, हार्दिक सिंह हॉकी से, इन सभी को अर्जुन पुरस्कार 2021 दिया गया है। अब आइए नीचे की तरफ लोग बढ़ते हैं, कुछ और नाम हैं उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। विवेक सागर प्रसाद हॉकी से, गुरजंत सिंह हॉकी से, मनदीप सिंह हॉकी से, शमशेर सिंह हॉकी से, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी से, और वरुण कुमार हॉकी से, सिमरनजीत सिंह हॉकी से। तो विवेक सागर प्रसाद हॉकी से हैं, गुरजंत सिंह किससे रिलेटेड हैं, हॉकी से रिलेटेड हैं, मनदीप सिंह किससे रिलेटेड हैं, हॉकी से रिलेटेड हैं, शमशेर सिंह किससे रिलेटेड हैं, हॉकी से रिलेटेड हैं, ललित कुमार उपाध्याय किससे रिलेटेड हैं, हॉकी से रिलेटेड हैं, वरुण कुमार किससे रिलेटेड हैं, हॉकी से, सिमरनजीत सिंह हॉकी खेल से रिलेटेड हैं। इन सभी को भी अर्जुन पुरस्कार 2021 दिया गया। अब कुछ और नाम हैं इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। और योगेश कौठनिया पैरा एथलेटिक्स से, निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से, सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन से, सिंहराज अधाना पैरा शूटिंग से, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस से, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी से, और शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स से। तो एक बार चलिए फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। योगेश कोठोनिया पैरा एथलेटिक्स से, निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से, सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन से, सिंहराज अधाना पैरा शूटिंग से, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस से, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी से, शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स से। तो इस प्रकार हमने टोटल 34 नामों को यहाँ पे पढ़ लिया जिन्हें कि अर्जुन पुरस्कार 2021 दिया गया है। अब हम आते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 लाइफ टाइम श्रेणी। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। वे नाम इस प्रकार हैं। पहला हमारे हैं टीपी ओसेफ जो कि एथलेटिक्स के हैं, सरकार तलवार क्रिकेट से रिलेटेड हैं, सरपाल सिंह हॉकी से रिलेटेड हैं, आसान कुमार कबड्डी से रिलेटेड हैं, और तपन कुमार पारिग्रही जो है वो तैराकी से रिलेटेड हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 5 लोगों को दिया गया। वे नाम इस प्रकार हैं टीपी ओसेफ एथलेटिक्स, सरकार तलवार क्रिकेट, सरपाल सिंह हॉकी, आसान कुमार कबड्डी, तपन कुमार पारिग्रही और पारिग्रही तैराकी। अब हम आते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 नियमित श्रेणी में कुल कितने लोगों को दिया गया। तो ये पुरस्कार भी कुल 5 लोगों को दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में, ठीक है। तो कौन कौन से नाम है चलिए एक बार हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। राधा कृष्ण नायर पी एथलेटिक्स से रिलेटेड है, संध्या गुरुंग मुक्केबाजी से, प्रीतम शिवाज हॉकी खेल से रिलेटेड है, जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग से, और सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस से, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 नियमित श्रेणी में कुल 5 लोगों को दिया गया। वे नाम इस प्रकार है राधा कृष्ण नायर पी एथलेटिक्स, संध्या गुरुंग मुक्केबाजी, प्रीतम शिवाज हॉकी, जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग, सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस। अब हम आते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की तरफ। तो ध्यानचंद पुरस्कार भी टोटल कुल 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार भी टोटल कुल 5 लोगों को दिया गया है। तो इनके नाम कौन कौन से हैं, सज्जन सिंह कुश्ती से रिलेटेड है, लीका केसी मुक्केबाजी से, अभिजीत कुंते शतरंज से, दविंदर सिंह गरचा हॉकी से, और विकास कुमार कबड्डी से। तो जो ध्यानचंद पुरस्कार 2021 का है वो टोटल कुल 5 लोगों को दिया गया है जिनके नाम इस प्रकार हैं, सज्जन सिंह कुश्ती, लीका केसी मुक्केबाजी, अभिजीत कुंते शतरंज, दविंदर सिंह गरचा हॉकी, और विकास कुमार कबड्डी। अब हम आते हैं कि राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि कितनी है, ठीक है।
तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है। अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? 15 लाख रुपए है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के लिए, इसकी पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी के लिए, इसकी पुरस्कार राशि जो है वो 10 लाख रुपए है। और ध्यानचंद पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख रुपए है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वो 25 लाख रुपए है। अर्जुन पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वो 15 लाख रुपए है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम श्रेणी में, उसकी पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी के लिए, उसकी पुरस्कार राशि जो है वो 10 लाख रुपए है। और ध्यानचंद पुरस्कार की पुरस्कार राशि जो है वो 10 लाख रुपए है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार 2021, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्षेत्र, प्राप्तकर्ता और किस लिए उन्हें, कौन से विभाग में उन्होंने रिसर्च किया है जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, क्या विशेष किया है, कौन से फील्ड में। तो चलिए अब हम लोग आते हैं चिकित्सा के लिए। तो चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 का दो लोगों को दिया गया है। पहला नाम है डेविड जूलियस जो कि यूएसए के हैं, और दूसरा नाम है अर्देम पटापाउटियन जो कि लेबनान के हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में दो लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहला नाम है डेविड जूलियस जो कि यूएसए के हैं, और दूसरा नाम अर्देम पटापाउटियन है जो कि लेबनान के हैं। अर्देम पटापाउटियन, तो इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज हेतु, तो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज हेतु इनको यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। अब दूसरा नाम आता है भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में तीन लोगों को दिया गया है। पहले हैं सियुकुरो मोनेब जो कि जापान के हैं, क्लाउस हेसलमैन जो कि जर्मनी के हैं, और जियोर्जियो पॉरिसी जो कि इटली के हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तीन लोगों को दिया गया है, सियुकुरो मोनेब जो कि जापान के हैं, क्लाउस हेसलमैन जो कि जर्मनी के हैं, और जियोर्जियो पॉरिसी जो कि इटली के हैं। तो इन्होंने क्या विशेष किया है, तो पृथ्वी की जलवायु की भौतिकी मॉडलिंग के लिए दिया गया है, और परमाणु से ग्रह के पैमाने तक में विकार की खोज के लिए दिया गया है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। अब हम देखेंगे कि रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में दो लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 का। पहला नाम है बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं, और दूसरा नाम है डेविड WC मैकमिलन जो कि यूके के लिए हैं। इन्होंने असीमित और ऑर्गोनोकैटालिसिस के विकास के लिए इन्हें दिया गया है। असीमित ऑर्गोनोकैटालिसिस विकास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब हम आते हैं शांति के लिए। तो मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की हैं, और दमित्री मुरातेव जो कि रूस की हैं, तो किस चीज़ के लिए दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र पे। तो अर्थशास्त्र में तीन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला नाम है डेविड कार्ड, कनाडाई अमेरिकी हैं वो। फिर आते हैं जोशुआ डी एंग्रिस्ट जो कि यूएसए से हैं। फिर आते हैं गुइडो W इम्बेंस जो कि नीदरलैंड से हैं। कौन है तो तीन लोग जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए दिया गया 2021 का। पहला नाम आता है डेविड कार्ड का जो कि कनाडाई अमेरिकी हैं। दूसरा नाम आता है जोशुआ डी इंग्लिश का जो कि यूएसए के हैं, और तीसरा नाम गुइडो W इम्बेंस हैं जो कि नीदरलैंड के हैं। किस लिए दिया गया है, तो श्रम अर्थशास्त्र में योगदान हेतु कारणीय संबंधों के विश्लेषण में के उनके पद्धतिगत योगदान हेतु। अब हम आते हैं साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार।
तो जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है अब्दुल रजाक गुरना को, ठीक है, जो कि एक तंजानिया के उपन्यासकार हैं और इनकी प्रमुख उपन्यास पैराडाइज के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किस लिए, तो उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अडिग और करुणामयी पैठ के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं आगे की तरफ, हम देखते हैं तो मिस वर्ल्ड 2021 किसे मिला है, तो मिस वर्ल्ड 2021 जो है वो प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड के 17वें संस्करण में पोलैंड की कोरोलिना बिलावास्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता और भारतीय अमेरिकी श्री सैनी दूसरे और कोटे डी आइवर की ओलिविया येस तीसरे स्थान पर रही हैं। तो मिस वर्ल्ड 2021 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड के 17वें संस्करण में पोलैंड की कोरोलिना बिलावास्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता। भारतीय अमेरिकी श्री सैनी दूसरे और कोटे डी आइवर की ओलिविया ये तीसरे स्थान पर रही हैं। अब हम आते हैं मिस यूनिवर्स की तरफ, मिस यूनिवर्स 2021 की तरफ। तो 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का खिताब जो है वो भारत की किसने जीता है, हरनाज संधु ने जीता है और पराग्वे की नादिया फरेरा दूसरे स्थान पर रही, जबकि दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवाने तीसरे स्थान पर रही। तो 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का जो खिताब है वो भारत की हरनाज संधु ने जीता है, पराग्वे की नदिया फरेरा दूसरे स्थान पर रही हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की जो लालेला मसवाने हैं वो तीसरे स्थान पर रही हैं। अब हम आते हैं भारत रत्न पुरस्कार 2019। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका और समाजसेवी नानाजी देशमुख को वर्ष 2019 का भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2019 का भारत रत्न सम्मान 3 लोगों को दिया गया, जिसमें कि पूर्व राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी जी हैं, दूसरे हमारे प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका और तीसरे हमारे समाजसेवी नानाजी देशमुख को वर्ष 2019 का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। अब हम आते हैं वर्ष 2019 से 22 की सौंदर्य प्रतियोगिताओं के किसे किसे दिए गए, उनमें कुछ नाम नीचे दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो हम आते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 किसे दिया गया, तो खुशी पटेल को जो यूके में है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 किसे दिया गया, खुशी पटेल को जो कि यूके की है। अब हम आते हैं मिसेज वर्ल्ड 2022 किसे दिया गया, साइलिन फोर्ड को जो कि अमेरिका की हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 किसे दिया गया, साइलिन फोर्ड को जो कि अमेरिका की हैं। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 किसे दिया गया, श्री सैनी जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 श्री सैनी को दिया गया जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। और मिस अर्थ इंडिया 2021 किसे दिया गया, तो रश्मि माधुरी को जो कि बेंगलोर की हैं। और मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 किसे की दिया गया, डॉक्टर अच्छता प्रभु को। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 किसे दिया गया, डॉक्टर अच्छता प्रभु को। और मिस इंडिया यूएसए 2021 किसे दिया गया, वैदही डोंगरे को जो कि मिशिगन की हैं। मिस इंडिया यूएसए 2021 किसे दिया गया, जो कि वैदही डोंगरे जो कि मिशिगन की हैं। और मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा को मिला जो कि मेक्सिको की हैं, ठीक है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल यूके की हैं, मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड अमेरिका की हैं, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 श्री सैनी भारतीय अमेरिकी हैं, मिस अर्थ इंडिया 2021 रश्मि माधुरी बेंगलुरु की हैं, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 डॉक्टर अच्छता प्रभु, मिस इंडिया यूएसए 2021 वैदही डोंगरे मिशिगन और मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा मैक्सिको। अब हम आते हैं
मिस दिवा यूनिवर्स 2020 एडलिन कैस्टेलिनो कर्नाटक। मिस दिवा यूनिवर्स 2020 किसे दिया गया था? तो एडलिन कैस्टेलिनो को, जो कि कर्नाटक की हैं। मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 किसे दिया गया था? तो मारिया थर्टीटल को। मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 किसे दिया गया था? तो मारिया थर्टीटल को। और मिस डिवा 2019 किसे दिया गया था? तो वर्तिका सिंह को, जो कि लखनऊ की हैं। मिस डिवा 2019 किसे दिया गया था? वर्तिका सिंह को, जो कि लखनऊ से है। और मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 किसे दिया गया था? साइने सोनी को, जो कि दिल्ली से है। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 किसे दिया गया था? साइने सोनी को, जो कि दिल्ली से हैं। और मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह, जो कि जमैका से हैं। मिस वर्ल्ड 2019 किसे दिया गया था? टोनी एन सिंह, जो कि जमैका से हैं। और मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको की हैं। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको की हैं। अब हम आते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 की तरफ। तो चिकित्सा के क्षेत्र में तीन लोगों को दिया गया, माइकल ह्यूटन, जो कि ब्रिटेन के हैं, हार्वे जे ऑल्टर, जो कि अमेरिका के हैं, और चार्ल्स एमराइस, जो कि अमेरिका के हैं। किस लिए? तो हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में तीन लोगों को दिया गया, माइकल ह्यूटन, जो कि ब्रिटेन के हैं, हार्वे जे ऑल्टर, जो कि अमेरिका के हैं, चार्ल्स एमराइस, जो कि अमेरिका के हैं, हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए। अब हम आते हैं भौतिकी पर। तो भौतिकी के लिए भी तीन लोगों को दिया गया, रोजर पेनरोज ब्रिटेन से हैं, रेनहार्ड गेंजेल जर्मनी से हैं, एंड्रिया गेज अमेरिका से हैं। किस लिए दिया गया? तो ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान हेतु। तो भौतिकी के लिए तीन लोगों को, रोजर पेनरोज जो कि ब्रिटेन से हैं, रेनहार्ड गेंजेल जो कि जर्मनी के हैं, एंड्रिया गेज जो कि अमेरिका के हैं, इन्हें ब्लैक होल के गठन सापेक्षता के सिद्धांत को एक मजबूत पूर्वानुमान हेतु भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। अब हम आते हैं रसायन की तरफ। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2020 दो लोगों को दिया गया, एमैनुअल चॉर्पियर जो कि फ्रांस के हैं, और जेनिफर ए डेडोना जो कि यूएसए के हैं। किस लिए? तो जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि विकास के लिए। ठीक है, तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2020 का दो लोगों को दिया गया, एमैनुअल चॉर्पियर फ्रांस से, जेनिफर ए डेडोना यूएस से, जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि विकास के लिए। अब हम आते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएसए की एक एजेंसी है, उसे दिया गया, भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए इसने 10 करोड़ लोगों की मदद की। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो दो लोगों को मिला, पॉल आर मिलग्राम जो कि यूएसए के हैं, रॉबर्ट बी विल्सन जो कि यूएसए से हैं। किसके लिए? तो नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए। तो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2020 का अर्थशास्त्र के लिए दो लोगों को मिला, पॉल आर मिलग्राम यूएसए के, रॉबर्ट बी विल्सन यूएस के। किस लिए? तो नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 लुईस ग्लुक को मिला है, जो कि अमेरिकी कवित्री हैं, इनकी शानदार काव्य शैली के लिए जो वैश्विक पहचान दिलाती है। अब आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। आइए, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में अंग्रेजी के लिए किसे मिला है? नमिता गोखले को, उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड। अंग्रेजी के लिए किसे मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021? नमिता गोखले को, उनकी उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। अब हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का दया प्रकाश प्राकाश सिंह को मिला है, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 पंजाबी भाषा के लिए खालिद हुसैन को मिला है,
उनकी कहानी संग्रह सुला द सालन के लिए। पंजाबी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 खालिद हुसैन को मिला है उनकी कहानी संग्रह सुला द सालन के लिए। और संस्कृत का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को मिला है उनकी कविता श्रीजति शंखनादम कील के लिए। अब हम आते हैं आगे की तरफ। अब देखेंगे हम लोग शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। तो जीव विज्ञान के लिए दो लोगों को दिया गया है, डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को। अब रसायन विज्ञान के लिए डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डीटी गोविंद राजू को दिया गया है। और पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान के लिए डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को दिया गया है। और इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को दिया गया है। और गणित विज्ञान के लिए डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को दिया गया है। और औषधि विज्ञान के लिए डॉक्टर जीमन पन्नियमंकल को और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को। और भौतिकी विज्ञान के लिए डॉक्टर कनक साहा को। तो जीव विज्ञान के लिए डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया है। रसायन विज्ञान के लिए डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर डी गोविंद राजू को दिया गया है। पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान के लिए डॉक्टर विनायक कुमार सौकिया को। और इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को। और गणित विज्ञान के लिए डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को दिया गया है। औषधि विज्ञान के लिए डॉक्टर जीमन पनियमकल को और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को दिया गया है। भौतिकी विज्ञान के लिए डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। अब हम आते हैं रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2021 की तरफ। तो रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2021 में डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो कि बांग्लादेश के हैं, इन्हें ये एक वैक्सीन वैज्ञानिक हैं जिन्हें कि रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2021 मिला है। मोहम्मद अमजद साकिब जो कि पाकिस्तान के एक माइक्रो फाइनेंस अग्रणी हैं। और रोबर्टो बैलोन जो कि दक्षिणी फिलीपींस के हैं, एक मछुआरा और पर्यावरण विद हैं। और स्टीवन मुंशी अमेरिका के हैं, एक मान्यतावादी हैं। और वॉच डॉग इंडोनेशिया के हैं जो कि पत्रकारिता संबंधित एक प्रोडक्शन हाउस है इनका। तो रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2021 पांच लोगों को दिया गया है जिसमें कि डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो हैं वो बांग्लादेश के हैं, वैक्सीन वैज्ञानिक हैं। मोहम्मद अमजद साकिब जो कि पाकिस्तान से हैं, माइक्रो फाइनेंसर अग्रणी हैं। रोबर्टो बैलोन जो कि दक्षिणी फिलीपींस से हैं, एक मछुआरा एवं पर्यावरण विद हैं। और स्टीव मुंशी अमेरिका से हैं जो कि एक मानवतावादी हैं। और वॉच डॉग इंडोनेशिया से पत्रकारिता संबंधित एक प्रोडक्शन हाउस है। अब हम आते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मरक्कर को लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे निर्देशक श्रीराम राघवन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी भोसले फिल्म के लिए और वह धनुष को असुरन फिल्म के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को फिल्म पंगा और मणि कर्णिका के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हुरैन के लिए दिया गया है। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी जो कि एक मलयालम मूवी है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे को निर्देशक श्रीराम राघवन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मनोज वाजपेयी जो कि भोसले फिल्म के लिए और धनुष असुरन फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को फिल्म पंगा और मणि कर्णिका के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हुरैन के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। अब आते हैं 75वां कौन फिल्म पुरस्कार 2022। तो पामे डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसको मिला है, सोंग कॉन्ग हो को जो कि कोरियाई हैं, फिल्म इनकी ब्रोकर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जार अमीर इब्राहिम ईरानी फिल्म होली स्पाइडर के लिए।
और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में पार्क चोन वूक को कोरियाई फिल्म डिसीजन टू लिव के लिए और भारतीय ज्यूरी सदस्य दीपिका पादुकोण को मिला है 75वां कॉन फिल्म पुरस्कार 2022 का। अब हम आते हैं 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022। ठीक है, तो 2022 का जो ऑस्कर पुरस्कार हुआ है वो कौन से नंबर का है, तो 94वें नंबर का है, 94th नंबर का है, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कोडा को दिया गया है। इसके निर्देशक कौन है, सियान हेडर है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जेन कैंपियन को मिला है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को मिला है द आइज ऑफ टैमी फे के लिए। तो 2022 का जो ऑस्कर पुरस्कार है वो 94वें नंबर का है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का कोडा को मिला, निर्देशक सियान हेडर हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जेन कैंपियन को मिला द पावर ऑफ द डॉग के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड विल स्मिथ को मिला किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जेसिका चेस्टन को मिला द आइज ऑफ टैमी फे के लिए। अब हम आते हैं 64वां ग्रेमी पुरस्कार। तो 64वां ग्रेमी पुरस्कार 2022 का एल्बम ऑफ द ईयर वी आर जॉन बैटिस्ट को मिला है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन ब्रूनो मार्स एंडरसन पार्क को मिला है, और सॉन्ग ऑफ द ईयर सिल्क सोनिक को मिला है लीव द डोर ओपन के लिए, और सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग जेल को कान्वे वेस्ट फीचरिंग जे जेड को, और सर्वश्रेष्ठ देश गीत दे आर कॉलिंग मी होम। हम आते हैं 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए थप्पड़ को दिया गया है। इसके निर्देशक कौन है, अनुभव सिन्हा है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओम राउत को मिला है फिल्म तानाजी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इरफान खान को मिला है फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तापसी पन्नू को मिला है फिल्म थप्पड़ के लिए। तो 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़, निर्देशक अनुभव सिन्हा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत फिल्म तानाजी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान फिल्म अंग्रेजी मीडियम, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू फिल्म थप्पड़। अब हम आते हैं 75वां बाफ्टा पुरस्कार। तो 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, विल स्मिथ और किंग रिचर्ड के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआन स्कैनलॉन आफ्टर लव के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का द पावर ऑफ द डॉग के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआन स्कैनलॉन आफ्टर लव। अब हम आते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2022। तो राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को मिला यह अवार्ड, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए क्वांटा पत्रिका के कर्मचारी को, और स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए मेडिसन हॉपकिंस एवं सोमालिया रेयस को, और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को, और ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए फ्यूचरी मीडिया एवं PRX के कर्मचारी को, और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए मियामी हेराल्ड के कर्मचारी को, और फीचर फोटोग्राफी के लिए अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे और दानिशी सिद्दीकी, चार भारतीय को। अब हम आते हैं पद्म पुरस्कार 2022 पर। पद्म पुरस्कार 2022, तो 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। इसमें चार जो है वो पद्म विभूषण हैं, 7 जो है पद्म भूषण हैं, और 107 जो है वो पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। तो अब हम आते हैं पद्म विभूषण की तरफ। तो पद्म विभूषण हमें 4 व्यक्तियों को मिला है। तो एक बार फिर से हम ब्रीफली चर्चा कर लेते हैं पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में, कि पद्म पुरस्कार जो है
26 जनवरी 2022 को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 व्यक्तियों को दिया, जिसमें कि पद्म विभूषण 4 है, पद्म भूषण आपका 17 है और पद्म श्री जो है पुरस्कार वो टोटल 107 है। तो टोटल मिला के हमारा टोटल कितना पद्म पुरस्कार है, 128 है। चलिए अब हम बारी बारी से सबके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो 4 व्यक्तियों को दिया गया है, वो नाम कौन कौन से हैं? तो सुश्री प्रभा अत्रे कला के लिए महाराष्ट्र की हैं, और श्री राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है, साहित्य और शिक्षा से हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और जनरल विपिन रावत को भी मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है जो कि सिविल सेवा से है, उत्तराखंड से, और श्री कल्याण सिंह को भी यह पुरस्कार मरणोपरांत ही मिला है, पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश से हैं। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 4 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से कि पहला नाम सुश्री प्रभा अत्रे कला महाराष्ट्र से हैं, दूसरा श्री राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से हैं, और थर्ड जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत सिविल सेवा उत्तराखंड से हैं, और फोर्थ और लास्ट हमारा श्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत दिया गया यह पुरस्कार, पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के हैं। अब हम आते हैं पद्म विभूषण की तरफ, पद्म भूषण की तरफ। तो यह पुरस्कार 17 व्यक्तियों को दिया गया है, श्री गुलाम नबी आज़ाद को पब्लिक अफेयर्स के लिए जम्मू कश्मीर के, श्री विक्टर बनर्जी को कला के लिए पश्चिम बंगाल से हैं, श्री गुरमीत बाबा को मरणोपरांत कला के लिए पंजाब से हैं, और श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को पब्लिक अफेयर्स के लिए पश्चिम बंगाल से हैं, और श्री नटराजन चंद्रशेखर को व्यापार और उद्योग के लिए महाराष्ट्र से हैं, और श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचिता एला को जोड़ी में दिया यह पुरस्कार व्यापार और उद्योग तेलंगाना से हैं, श्री मधुर जाफरी को अन्य पाक कला अमेरिका से हैं, श्री गुलाम नबी आज़ाद को पब्लिक अफेयर्स जम्मू कश्मीर, श्री विक्टर बनर्जी कला पश्चिम बंगाल के हैं, श्री गुरमीत बाबा को मरणोपरांत कला पंजाब से, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को पब्लिक अफेयर्स पश्चिम बंगाल के हैं, श्री नटराजन चंद्रशेखर को व्यापार और उद्योग के लिए महाराष्ट्र से हैं, श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचित्रा एला जोड़ी में यह पुरस्कार दिया गया व्यापार और उद्योग से तेलंगाना के, श्री सुश्री मधु जाफरी अन्य पाक कला जो कि अमेरिका से। अब हम और कुछ नाम दिए हुए उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। श्री देवेंद्र झाझरिया जो कि खेल से हैं, राजस्थान के हैं, श्री राशिद खान कला से हैं, उत्तर प्रदेश, श्री राजीव महर्षि सिविल सेवा से हैं, राजस्थान, और श्री सत्यनारायण नडेला व्यापार और उद्योग से अमेरिका के, और श्री सुंदर पिचाई व्यापार और उद्योग के अमेरिका, और श्री साइरस पूनावाला व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र से, और श्री संजय राजाराम मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार मिला विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए मैक्सिको के, और सुश्री प्रतिभा राय को साहित्य और शिक्षा के लिए उड़ीसा से, और स्वामी सचिदानंद को साहित्य और शिक्षा के लिए गुजरात से, और श्री वरिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य और शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से। तो श्री देवेंद्र झाझरिया को खेल के लिए राजस्थान से, श्री राशिद खान को कला के लिए उत्तर प्रदेश से, श्री राजीव महर्षि को सिविल सेवा के लिए राजस्थान से, श्री सत्यनारायण नडेला व्यापार और उद्योग के लिए अमेरिका से, श्री सुंदर पिचाई व्यापार और उद्योग के लिए अमेरिका से, श्री साइरस पूनावाला व्यापार और उद्योग के लिए महाराष्ट्र से, श्री संजय राजाराम को मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए मैक्सिको से, और सुश्री प्रतिभा राय को साहित्य और शिक्षा के लिए उड़ीसा से, और स्वामी सचिदानंद को साहित्य और शिक्षा के लिए गुजरात से, और श्री वरिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य और शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से। अब हम आते हैं पद्मश्री जो है वो 107 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से प्रमुख नाम कौन कौन से हैं चलिए हम लोग देख लेते हैं। श्री प्रहलाद राय अग्रवाल को व्यापार और उद्योग से हैं पश्चिम बंगाल से, प्रोफेसर नजमा अख्तर साहित्य और शिक्षा दिल्ली से हैं, श्री सुमित अंतिल खेल से हैं हरियाणा के हैं, श्री टी सेनका ए को साहित्य और शिक्षा के लिए नागालैंड से, सुश्री कमलिनी अस्थाना और सुश्री नालिनी अस्थाना को कला के लिए उत्तर प्रदेश से, सुश्री सुम्बना अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए कर्नाटक से, श्री जे के बजाज को
साहित्य और शिक्षा के लिए दिल्ली से और श्री सिरपी बालसुब्रमण्यम को साहित्य और शिक्षा के लिए तमिलनाडु से और श्रीमद बाबा बालिया को सामाजिक कार्य के लिए उड़ीसा से और सुश्री संगमित्रा बंदोपाध्याय को विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए पश्चिम बंगाल से और सुश्री माधुरी बर्थवाल को कला के लिए उत्तराखंड से और श्री अखोन असगर अली बसारत को साहित्य और शिक्षा के लिए लद्दाख से और डॉक्टर हिम्मत राव बावस्कर को मेडिसिन के लिए महाराष्ट्र से। अब कुछ और नाम हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। श्री हर मोहिंदर सिंह बेदी साहित्य और शिक्षा के लिए पंजाब से, श्री प्रमोद भगत खेल के लिए उड़ीसा से, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। श्री एस बी भजंत्री कला से तमिलनाडु के लिए, श्री खांडू वांगचुक भूटिया कला के लिए सिक्किम से और श्री मारिया क्रिस्टोफर बायस्की साहित्य और शिक्षा के लिए पोलैंड से, आचार्य चंद्रनाजी सामाजिक कार्य के लिए बिहार से और सुश्री सुलोचना चहाड़ कला के लिए महाराष्ट्र से और श्री नीरज चोपड़ा खेल के लिए हरियाणा से और सुश्री शकुंतला चौधरी सामाजिक कार्य के लिए असम से और श्री शंकर नारायण मेनन चुंडाइल खेल के लिए केरल से और श्री एस दामोदरन सामाजिक कार्य तमिलनाडु से और श्री फैसल अली डार खेल के लिए जम्मू से। तो टोटल कितने लोगों को? 107 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, टोटल 107 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अब हम आगे बढ़ते हैं 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए निकोल किडमैन बीइंग द रिकाडोस और बेस्ट एक्टर ड्रामा के लिए विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट एक्टर संगीत हास्य में एंड्रू गॉरफील्ड टिक टिक बूम के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए। और बेस्ट फिल्म संगीत हास्य राहेल जिगलर को पश्चिम साइड स्टोरी के लिए। तो 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 का बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए द पावर ऑफ द डॉग को, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए निकोल किडमैन बीइंग द रिकॉर्डर्स के लिए, बेस्ट एक्टर ड्रामा के लिए विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, बेस्ट एक्टर संगीत और हास्य के लिए एंड्रू गॉरफील्ड टिक टिक बूम के लिए, बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए और बेस्ट फिल्म संगीत और हास्य के लिए राहेल जिगलर को पश्चिम साइड स्टोरी के लिए। अब हम आते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष का कास्टन वारगोम को नॉर्वे के लिए, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला का एलेन थॉम्सन हेरा को जमैका के लिए, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार अंजू भाभी जॉर्ज को भारत के लिए और प्रेरणा पुरस्कार मुताज बरसीम कतर और जियाना मार्को को इटली के लिए। तो वर्ल्ड एथलीट्स अवार्ड 2021 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष के लिए कास्टन वारगोम नॉर्वे के हैं, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला के लिए एलेन थॉम्सन हेरा जो कि जमैका की हैं, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज को जो कि भारत की हैं और प्रेरणा पुरस्कार मुताज बरसीम को कतर एवं जियान मार्को को इटली के लिए, जियान मार्को को इटली के लिए। अब हम देखेंगे 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 गोवा। गोल्डन पिकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए रिंग वाटरिंग जापानी फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिल्वर पिकॉक जे भिकू लाल जोशी को गोदावरी के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंजेला मोलिना को चार्लोट के लिए। और फोक्स देश कौन कौन सा था हमारा? फोकस देश ब्रिक्स था, ब्राज़ील रूस भारत चीन दक्षिण अफ्रीका। फोकस देश हमारा कौन सा था? तो ब्रिक्स था, ब्राज़ील रूस भारत चीन दक्षिण अफ्रीका। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड प्रसून जोशी को।
और ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार लुंगुई द सेक्रेड बॉन्ड को। अब हम आते हैं आइफा की तरफ। आइफा जो अवार्ड है 2022 का, वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए शेरशाह को मिला है। निर्देशक इसके कौन थे? विष्णु वर्धन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को मिला है सरदार उद्धम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आविष्कार कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए। और निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। तो आइफा अवार्ड 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को, निर्देशक विष्णुवर्धन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को सरदार उधम के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को मिमी के लिए और निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। अब हम आते हैं ICC अवार्ड 2021। तो ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड शाहीन अफरीदी को, पाकिस्तान के हैं। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को, भारत की हैं। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं। और ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली, दक्षिण अफ्रीका के हैं। ICC मेंस T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के हैं। और ICC महिला T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी ब्यूमोट इंग्लैंड से हैं। तो ICC अवार्ड 2021 का जो अवार्ड है वो ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी को, पाकिस्तान के लिए। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को, जो कि भारत की हैं। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान से हैं। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लीजेन ली को, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। और ICC मेंस T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान से हैं। और ICC महिला T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी ब्यूमोंट, जो कि इंग्लैंड से हैं। अब हम आते हैं 22वां लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टेपन को मिला है, बेल्जियम के हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्सन हीरा को मिला है, जो कि जमैका की हैं। तो 22वां जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टेपन को दिया गया है, जो कि बेल्जियम से हैं। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्सन हीरा को दिया गया है, जो कि जमैका से हैं। अब हम आते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के लिए रॉबर्ट लोवनडोस्की को, पोलैंड से हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस को, स्पेन से हैं। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड फुटबॉल टीम डेनमार्क एवं चिकित्सा कर्मचारी को। अब हम आते हैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021-22। तो मई 2022 का अवार्ड पुरुष वर्ग के लिए एंजेलो मैथ्यूज को दिया गया, जो कि श्रीलंका से हैं। और महिला वर्ग में तुबा हसन को दिया गया, जो कि पाकिस्तान से है। और अप्रैल 2022 का पुरुष को केशव महाराज को पुरुष वर्ग में दिया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका से है। और महिला वर्ग में एलिसा हिली को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। और मार्च 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष वर्ग में बाबर आजम को दिया गया, जो कि पाकिस्तान से है। और महिला वर्ग में राचेल हेंस को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। और फरवरी 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड श्रेयस अय्यर को दिया गया, जो कि भारत से हैं। और अमेलिया केर को दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। और जनवरी 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कीगन पीटरसन को दिया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। और महिला वर्ग में हीथर नाइट को दिया गया, जो कि इंग्लैंड की हैं। और ICC प्लेयर द मंथ अवार्ड 2021 का एजाज पटेल को दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड से है। और हीथर नाइट को दिया गया, जो कि इंग्लैंड की हैं। और नवंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष वर्ग में डेविड वार्नर को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और महिला वर्ग में हेली मैथ्यूज को दिया गया, जो कि वेस्ट इंडीज से हैं। और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्रथम जो है किसे मिला था? ऋषभ पंत को पुरुष वर्ग में। और महिला वर्ग में सबनीम इस्माइल को दक्षिण अफ्रीका की हैं। अब हम आते हैं
अन्य पुरस्कार की तरफ। जिसमें क्या आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र साहित्य के लिए दिया जाता है। 2021वां का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को मिला है और 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2020 में जो 56वां पुरस्कार दिया गया था वो असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया था। 2021 में जो 57वां पुरस्कार दिया गया था वो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को दिया गया था। अब हम आते हैं व्यास सम्मान क्षेत्र जो है इसका साहित्य के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। 2020 में 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया, उनकी उपन्यास पाटलिपुत्र के सामग्री हेतु। 2021 में 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया, नाटक महाबली के लिए। तो साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। 2020 का 30वां साहित्य व्यास सम्मान जो है शरद पगारे को उनकी उपन्यास पाटलिपुत्र के सामग्री हेतु दिया गया। 2021 में 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया, नाटक महाबली के लिए। अब हम आते हैं सरस्वती सम्मान की तरफ। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 में 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को मराठी पुस्तक सनातन के लिए दिया गया। 2021 में 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। तो जो सरस्वती सम्मान है वो भी साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को उनकी मराठी पुस्तक सनातन के लिए, और 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। अब हम आते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2018 में 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला और 2019 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला। तो 2018 में जो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र के लिए किसे दिया गया था, तो अमिताभ बच्चन को, और 2019 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये किसको दिया गया था, तो रजनीकांत को। अब दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में 22 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह को, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए। अब हम आते हैं बिहारी पुरस्कार जो है वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2019 का जो 29वां बिहारी पुरस्कार था वो डॉक्टर एदान सिंह भाटी को उनकी कविता आँख हिये रा हरियल सपना के लिए दिए गया। और 2020 में 30वां जो बिहारी पुरस्कार है वो मोहन कृष्ण बोहरा को पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। तो जो बिहारी पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 का 29वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर एदान सिंह भाटी को उनकी कविता आँख हिये रा हरियल सपना के लिए, और 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। हम आते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2017 का 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार जय गोस्वामी को रचना दू ढोंडो फोहरा मात्रों के लिए, और 2019 का 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को उनकी आत्मकथा अस्थि और भवती के लिए। हम आते हैं एबल पुरस्कार की तरफ जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 में एबल पुरस्कार किसको दिया गया, प्रोफेसर कॉरेन केसकुला उहलेन बेक को प्रोफेसर कॉरेन केसकुला उहलेन बेक को दिया गया 2019 का एबल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2020 का एबल पुरस्कार हिलेल फुरस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्क
पुलिस को दिया गया। अब हम आते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 का, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE को दिया गया, और 2019 का सर डेविड एटनबरो ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक व प्रकृतिवादी हैं। हम आते हैं गांधी शांति पुरस्कार, तो 2019 का सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद ओमान के हैं, उनको दिया गया गांधी शांति पुरस्कार। और 2020 का बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। हम आते हैं राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2017 का मोहम्मद अजरुद्दीन एम गोपाला को दिया गया, और 2018 का गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया। हम आते हैं बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 2020 का डगलस स्टुअर्ट को दिया गया, जो कि स्कॉटलैंड के उपन्यास सुगी बैन के लिए। 2021 का बुकर पुरस्कार डेमन गलगुट को दिया गया, दक्षिण अफ्रीका के उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। तो बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का जो बुकर पुरस्कार है वो डगलस स्टुअर्ट को दिया गया स्कॉटलैंड के, उनकी उपन्यास सेगी बेन के लिए। और 2021 का बुकर पुरस्कार डेमन गलगुट को दिया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, उनकी उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2021 का डेविड डियोप को दिया गया, उनकी उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और 2022 का गीतांजलि श्री एवं डेजी रॉकवेल को, उनकी उपन्यास टॉम्ब एंड सैंड के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है 2021 का डेविड डियोप को दिया गया, उनकी उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और 2022 का गीतांजलि श्री एंड डेजी रॉकवेल को, उनकी उपन्यास टॉम एंड सैंड के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 2017 का भारती हरि महताब को, 2016 का दिनेश त्रिपाठी को। हम आते हैं कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया, एस एम कृष्णा और नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड विजय अमृत राज को दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार उड़ीसा के परिवहन सेवा मो बस को दिया गया। और महिला फिक्शन पुरस्कार रुथ ओजेकी को, जो कि US कनाडाई हैं। और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर को मिला है। और बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को दिया गया। द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर MBE पुरस्कार 2022 का गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को, कोविड के दौरान बेहतरीन सेवा हेतु दिया गया। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 का रश्मि साहू को दिया गया। सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार डेरेन सेमी को, वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान हैं। और वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार संजीत नावेनकर को दिया गया। और एक्सेलेंस इन सिनेमा पुरस्कार किसको दिया गया, नवजुद्दीन सिद्दीकी को। और वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 ए गोपाल कृष्णन को दिया गया। और संगीत कला निधि पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, संतान गोपालन को। और संगीत कला निधि पुरस्कार 2021 भक्त वत्सल्य को दिया गया। और संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 कृष्णन और विजयलक्ष्मी को दिया गया। और विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 वेस्ले मॉर्गन द हॉटशॉट प्लेस को दिया गया। और ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड अजय पीरामल को दिया गया। अब हम आते हैं वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 कैमरून एक्टिविस्ट को दिया गया। और टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विलजेक को दिया गया। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी वास्तुकार के लिए दिया गया। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिंथिया रोसेन जवेक को दिया गया। और वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार जो है वो अटल सुरंग को दिया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड एटनबरो को दिया गया। और जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार वोलोदिमिर जेलेंस्की को, राष्ट्रपति यूक्रेन के हैं। और उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो विवेक लाल को दिया गया। राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार 2021 इस्पात मंत्रालय को
दिया गया और वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार इंड बैंक को दिया गया और मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार 2022 प्रभात पटनायक को दिया गया। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 डॉक्टर भूषण कुमार व्यक्तिगत श्रेणी के लिए एवं गुजरात के सहयोग से कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट संस्थागत श्रेणी के लिए दिया गया। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 फाल्गुनी नायर को दिया गया और प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी को दिया गया और ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा बंगाली लेखक को दिया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 कामलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल को मिला है और चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 जो है वो पत्रकार आरिफा जौहरी को दिया गया और प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार भारतीय नौसेना के पोत वलसुरा को दिया गया और स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 जो है प्रोफेसर एमेरिटस विलफ्रिड ब्रूट्स स्टार को दिया गया और टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड जो है वो दीपिका पादुकोण को मिला है और कोविड चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया है तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को यह पुरस्कार मिला है। हम आते हैं सेंट्रल बैंकिंग 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मारियो मार्सेल को दिया गया और एबल पुरस्कार 2022 अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है प्रिट्जर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस केरे जीतने वाले पहले अफ्रीकी हैं अब स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर स्पोर्ट स्टार SS 2022 का यह पुरस्कार नीरज चोपड़ा को मिला है और स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना को दिया गया और मिस वर्ल्ड 2021 करोलिना बिलावस्का पोलैंड की हैं और 31वां GD बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को दिया गया। किसे 31वां GD बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को दिया गया। एशियन बैंक ऑफ द ईयर एशिया अवार्ड 2021 में एक्सिस बैंक को मिला है और US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज अवार्ड 2022 रिजवाना हसन को दिया गया। वर्ल्ड मान मेडल प्रोफेसर दीपक धर को पहले भारतीय हैं और पाकिस्तान के नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान बिल गेट्स को दिया गया और बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 संदीप बख्शी को दिया गया और 18वां स्वर्गीय माधव राव लिमये पुरस्कार 2020-21 नितिन गडकरी को दिया गया और DX 2021 पुरस्कार भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कर्नाटक बैंक को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार गणतंत्र दिवस 2022 पे उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए विनोद शर्मा को यह पुरस्कार मिला है और जेनेसिस उत्पत्ति प्राइज 2022 डॉक्टर अल्बर्ट बोरला को CEO हैं फाइजर के CEO हैं। अब हम आते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2021 नागालैंड के मोन जिला प्रशासन को, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश को और स्कोच अवार्ड 2021 रजत श्रेणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली को और TX2 पुरस्कार सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व ईरोड तमिलनाडु को और असम वैभव अवार्ड 2022 का रतन टाटा को और परम विशिष्ट सेवा पदक नीरज चोपड़ा को और नेताजी पुरस्कार 2022 सिंजो अबे पूर्व PM जापान के हैं और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 सुष्मिता सेन को और मिसेज वर्ल्ड 2022 के लिए साइलिन फोर्ड 18वीं अमेरिकी हैं और ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड निरामई और इन SL को। हम आते हैं 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 हर्षाली मल्होत्रा को और ICMR का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड सतीश अडिगा को और तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश को, रामनाथ गोयनका पुरस्कार फोटो पत्रकारिता के लिए जिसान ए लतीफ़ को, रेड इंक पुरस्कार 2020 का फोटो जर्नलिस्ट दनिश सिद्दीकी को और वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक पुरस्कार 2021
सुधीर भाई देसाई को गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। और पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का आलिया भट्ट को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 आलिया भट्ट को। सुशीला देवी पुरस्कार 2021 अनुकृति उपाध्याय को उपन्यास किंतसुगी के लिए। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे को। और डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर के लिए ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को यह पुरस्कार दिया गया। पीवीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 एम्मा राधु कानू को। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 सेल को। वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 दिव्या हेगड़े को। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 कुमार मंगलम बिड़ला को। और टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर 2021 सिमोन बिलेस को। भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार नगदक पेल जी खोरलो पीएम नरेंद्र मोदी को। अब उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार 2021 का पुणे छावड़ी बोर्ड को। अब टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलोन मस्क को। मिस यूनिवर्स 2021 अरनाज संधु जो कि भारत की हैं। रामानुजम पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को। डॉक्टर ईडा एस स्कडर ओरेशन अवार्ड अजीम प्रेम जी को। और यंग जियो स्पेटियल साइंटिस्ट पुरस्कार रुपेश गोयल को। किसको मिला है? रुपेश गोयल को। अब BWF पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर विक्टर एक्सलसन को डेनमार्क के लिए। BWF महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर ताई जुंग यिंग चीनी ताइपे को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है ये। BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। सातवां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2021 वी प्रवीण राव को। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड 2021 हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रथम NGO को। और टाटा लिटरेचर अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनीता देसाई को। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार 2021-22 शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश। और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2021 विहान अग्रवाल व नव अग्रवाल। और वीर चक्र 2021 कैप्टन अभिनंदन वर्धमान। और कृति चक्र 2021 सैपर प्रकाश यादव मरणोपरांत। महावीर चक्र 2021 कर्नल बिकुमला संतोष बाबू। और कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2021 कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को मिला है। और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार सबसे स्वच्छ शहर 2021 के लिए इंदौर को चुना गया। और ब्लैक स्वान पुरस्कार किसको मिला? रेणु गुप्ता को। एजु थाचन पुरस्कार 2021 पी वलसाला को मिला है। और नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 जो है वो अजय शर्मा को मिला है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 शीतल राज उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड की हैं। जेसीबी पुरस्कार 2021 एम मुकुंदन पुस्तक दिल्ली ए सोली लोकी के लिए। और जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 डॉक्टर राजीव निगम को। अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 भारत का परमबिकुलम टाइगर कंजर्वेशन को। यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2021 एलेक्सी नवलनी को। यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 कुंगफू नन को। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 लॉरेंट बॉलिस्टा फ्रेंच के हैं। और यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 विद्युत आर हेबर को। और IHA ब्लू प्लैनेट प्राइज 2021 NHPC तिस्ता 5 पावर स्टेशन सिक्किम को। और मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 श्री सैनी को भारतीय अमेरिकी हैं। और अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 विद्युत मोहन को क्लीन आवर एयर श्रेणी में। और सत्यजीत रे पुरस्कार बी गोपाल को तेलुगु फिल्म निर्माता हैं ये। और 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर हरदीप
गुलेरिया को और आर्यभट्ट पुरस्कार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को और 45वां वॉयलर पुरस्कार मलयालम लेखक बेन्यामिन पुस्तक मंथली रिले को और ये दान पुरस्कार 2021 प्रोफेसर एरिक अनुशेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को और गोपीनाथ बारदोलई पुरस्कार निरोध कुमार बरुआ को कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा और शिलांग चैम्बर कायर को। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 शिव नाडर और मल्लिका श्री निवासन को और राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली के पर्यावरण संगठन लाइफ को। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 यमन के मानवीय संगठन जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 यमन के मानवीय संगठन जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 फुमजिले मलाम्बो एगंग कुका को और चेंज मेकर अवार्ड 2021 भारतीय फेरोज फैजा बीथर बांग्लादेश को। ठीक है, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो पेज नंबर 41 से पेज नंबर 47 तक समाप्त होता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।